What you think, you become. What you feel, you attract. What you imagine, you create. मंथन में आने वाले मेरे मेहमान अक्सर इसी रूल को फॉलो करते हैं, जाने या अनजाने। आज जो मेरे मेहमान हैं, उन्होंने भी अपनी डेस्टिनी खुद क्रिएट की है। आज हमारे बीच में होंगे इंडियन फील्ड हॉकी प्लेयर, जिन्हें हम सब लोग बेस्ट गोलकीपर के तौर पर जानते हैं, वो इंडियन नेशनल टीम के लिए खेलते हैं, विकास दहिया जी। पूत के पांव ना पालने में ही नजर आ गए थे, जब वो छोटे थे ना तभी से वो देश का नाम रोशन करते आए हैं। उन्होंने जूनियर एशिया कप में गोल्ड मेडल हासिल किया, जूनियर हॉकी वर्ल्ड कप में गोल्ड मेडल हासिल किया, और ऐसे बहुत सारे मेडल्स जो है वो हासिल करते ही रहे हैं। तो जिन्हें मैं आज आमंत्रित कर रही हूँ, अगर आपके मन में कोई सवाल है, अगर आप भी उनकी तरह बनना चाहते हैं और वो आपके आइडल हैं, तो आप प्लीज उनसे सवाल जरूर पूछिएगा। मैं भेजती हूँ विकास दहिया जी को एक छोटे सा रिक्वेस्ट और हम उनसे करेंगे। हेलो, नमस्ते, वेलकम। मैं बहुत बढ़िया हूँ, आप बताइए। कैसी हैं? मैं बहुत अच्छी हूँ और अच्छी आपसे बात बात करते करते और अच्छी हो जाऊंगी। दरअसल में ऐसे लेजेंडरी लोगों से बहुत कम मुलाकात हो पाती है, जो लोग अपनी जिंदगी को बहुत अलग मुकाम पर ले जाते हैं, है ना। आप जिस तरह से, आप लोग बेस्ट गोलकीपर के तौर पर जानते हैं, पूरा भारत आपको जानता है, पूरा विश्व आपको जानता है। आपके ऊपर कोई प्रेशर रहता है जब आप खेल रहे होते हैं, ग्राउंड पर होते हैं, तो आपको प्रेशर रहता है कि मैंने अब गोल्ड मेडल हासिल कर लिया है, लोग मुझे बेस्ट गोलकीपर कहते हैं, तो इस बार भी मुझे कुछ एक्स्ट्रा करना होगा कि लोगों की नजरें मुझे पता है कि मुझ पर लगी प्रेशर हुई, तो जैसे ऐसा होता ही कुछ है होता है? नॉर्मली गेम में तो, बट ये होता है कि लाइक हम उसको एंजॉय करते हैं, हम जितना प्रेशर ज्यादा होता है ना, हम उसको जितना हो सके हम उसको एंजॉय करते हैं नॉर्मली। तो वही है कि हम जितना उसको एंजॉय करेंगे तो फिर वो ठीक रहता है, मतलब हम उसको अरेंज कर सकते हैं एंड खेल सकते हैं, मतलब अच्छे प्रेशर में। और प्रेशर में खेलने में ही मतलब ज्यादा मजा आता है, स्पेशली गोलकीपर के लिए। आपको स्लीपलेस नाइट्स नहीं होती? आपको स्लीपलेस नाइट्स नहीं होती रात को, मतलब एक रात पहले हाँ, नींद आनी बंद हो जाए समटाइम्स होता यार, है इस ऐसा कि टीम के साथ मैच मतलब काफी है? बड़ा मैच होता है तो फिर प्रेशर तो रहता ही है कि मतलब कल को क्या होगा, क्योंकि हम रिजल्ट प्रेडिक्ट नहीं कर सकते। हमारे हाथ में होता है कि हम बस अच्छा खेलें, तो रिजल्ट हमारे हाथ में होता नहीं है, तो हम बस हम यही सोचते हैं कि हम अच्छा करें, तो देखते हैं मतलब क्या होता है। अच्छा, कोई ऐसी टीम जिसको खेलते टाइम आपको एक रात पहले या 2 दिन 3 पहले जो है आपके पेट में दर्द होना शुरू हो जाता हो कि भाई बड़ा मुश्किल है, इस आदमी से तो जीतना मुश्किल है, ऐसा कुछ होता है आपको? कोई ऐसा है ऐसा प्लेयर इंडिविजुअल या ऐसा टीम या प्लेयर का कुछ? तो ऐसा नहीं है, बट हाँ मतलब थोड़ा मेरे को ऑस्ट्रेलियन टीम थोड़ा ज्यादा ठीक लगता है, और उनके साथ खेलने में भी मजा आता है नो डाउट। एंड क्योंकि वो जैसे आपने बोला स्टार्टिंग में कि प्रेशर होता है, तो फिर प्रेशर को हैंडल करने में भी मजा आता है, विदाउट प्रेशर गेम में फिर वो बात भी नहीं होती है। तो मेरे को ऑस्ट्रेलियन टीम थोड़ा लगता है कि मतलब वो फास्ट है, वो क्विक है, वो थोड़ा उनका काउंटर अटैक वगैरह थोड़ा ज्यादा रहता है, तो उनके साथ खेलने में नो डाउट बिल्कुल मजा आता है। वो जो गुदगुदी वाली बात बोल रहे हैं तो वो होता ही है मैच से पहले रात में। हाँ जी अच्छा, ये तो मतलब चलिए अच्छी बात है। मुझे लगता है कि जब प्रेशर, जैसे आप हाँ जी प्रेशर को बहुत पॉजिटिवली ले रहे होना हैं चाहिए, कि बिल्कुल प्रेशर बिल्कुल। होना चाहिए ताकि आप हाँ जी खेलें, उसमें एक जुनून और भी आ जाता है। अच्छा, जब आप लोग मैच खेल रहे होते हैं तो टीम को मैनेज करके खेलना, आंखों ही आंखों में हो, क्योंकि उस वक्त हाँ तो जी हाँ इतने जी इशारों का भी समय नहीं होता है कि बिल्कुल। आप क्या इशारा कर पाए, तो वो वाला जो टाइम होता है आपका, वो कैसा रहता है? आप कैसे अपने टीममेट्स को इशारे करते हैं, हाँ मतलब जी हाँ जी क्योंकि हाँ जी आपको तो गोल बचाने जैसे का काम करना होता है, या हम उनको मतलब उनकी आईज को प्लेयरों को पढ़ना? आप मतलब हम जैसे टीम प्लान करते हैं कि किस टीम के साथ कैसा खेलना है हमें, तो फिर वो तो नो डाउट हम बात करते हैं। फिर प्लस फिर हम कम्युनिकेशन, जैसे हम बोलते हैं कि एक अच्छा एक कंसेप्ट है हॉकी में ना, हम बिना बात करें हॉकी में खेल नहीं सकते, आपको हर सेकंड में कुछ ना कुछ बोलते रहना पड़ेगा। तो आप उसमें ऐसा होता है कि आप फिर आप गेम के अंदर रहते हैं, स्पेशली गोलकीपर का तो यही काम होता है कि जब बॉल हमारे पास आती है तो फिर हम उस टाइम पे चुप होते हैं कि हमें बस बॉल पे फोकस करना होता है, अदरवाइज हमें बात करते रहना पड़ेगा कि हम हाँ, मतलब मैन टू मैन कवरिंग कराते हैं या जो भी हम बात करते हैं। नॉर्मली बात करने से थोड़ा सा प्रेशर कम हो जाता है ना, अदरवाइज अगर हम चुप रहेंगे तो फिर ऐसा होता है कि अदर दूसरी टीम हमारे ऊपर हावी हो रही है, तो अपने को बात करते रहना पड़ता है बीच बीच में, मतलब हर हर मिनट हर सेकंड अपने को बोलते रहना पड़ता है, अपने अपने से आगे वाले प्लेयर को बोलते रहना पड़ता है कि लेफ्ट जाना है, राइट जाना है, जो भी है।
अच्छा आपके दोस्त हरजीत जी हैं, वो कह रहे जैसे मुझे इशारा करता है वो बता। अच्छा ऐसा कौन सा इशारा करते हैं आप वो आप थोड़ा इन्हें? मतलब होता है मतलब प्लेयरों में आपस में कि थोड़ा सा चिल्लाना होता है कि जब वो कुछ ऐसा गलती करते हैं कि जैसे हम बोलते हैं कि ब्लंडर मिस्टेक हो जाता है, तो वो अगर वैसा कुछ होता है तो फिर नो डाउट ये हाँ गुस्सा तो आता ही है कि स्पेशली गोलकीपर्स को, क्योंकि हम वो तो करना गाली निकल पड़ेगा जाती है इंडियंस में ना। गाली आ गया तो सब करते रहते हैं थोड़ा अच्छा, मतलब उन्होंने पोल आप ही खोल ही दी, मुझे तो लगा था बहुत कूल रहना मतलब कूल पड़ता रहने होगा, के साथ लेकिन साथ हाँ थोड़ा एग्रेसिव भी आजकल रहना माइक पड़ता भी है चारों कि तरफ। बात आपने सही कही, आपने बिल्कुल सही कही। अच्छा ये कह रहा है मैडम जी ये राइट लेफ्ट नहीं करता बस। अभी अजीत जी के साथ हम आपके दोस्त अब सारी अजीत जी के फोर्स साथ अभी हम टूर्नामेंट ही खेल के खोलेंगे। आए हैं, तो हम अभी कोलकाता लीग खेलने गए थे, तो हम वहाँ पे चैंपियन हुए। अभी जैसे मैंने आपको बताया भी था पहले कि मैं अभी बाहर हूँ, तो अच्छा अजीत जी साथ ही थे मेरे, तो उसको पता जी ही है कि कैसा मतलब प्रेशर वाला मैच जब होता है तो फिर सबको गालियां सुननी पड़ती है, इवन हमें भी गालियां सुननी पड़ती है जब हम गोल कंसीड करते हैं, तो नो डाउट सब चिल्लाते हैं बिल्कुल। असल में मुझे ये इसलिए भी थोड़ा ओके पता है क्योंकि मेरे जो भैया हैं वो खुद भी नेशनल्स खेल चुके हैं, अनुराग सिंह उनका नाम अच्छा है, तो वो भी हॉकी प्लेयर है, तो हाँ काफी इंजरीज वगैरह भी उनको हुई है उसके बाद, वो इंजरीज के बाद तो फिर आपको पता ही है कि आप लोग ऑलमोस्ट जी ट्रेनर्स के उसमें आ जाते हैं, आप लोग ट्रेनिंग देना शुरू कर देते हैं। अच्छा ये इंजरी वाले बिल्कुल जो पेन होता है, एक एक प्लेयर बहुत अच्छा खेल रहा है, काफी नाम रोशन कर रहा है, इंजरी उस इंसान को ना बिल्कुल ब्रेक करा मतलब देता हम है इस सारी चीज को चीज। थोड़ा पॉजिटिव वे में लेते हैं नॉर्मली कि मतलब हमारे कोच थे एनके गौतम सर, वो मतलब अभी भी हमारे साथ, तो वो बोलते हैं कि आप इंजरी को ना एज अ ज्वेलरी के तौर पे लो, जैसे हम स्पोर्ट्स वालों की ज्वेलरी नहीं होती, बट हम इंजरी को ज्वेलरी के तौर पे लो आप उसको, तो मतलब ज्यादा सीरियसली लेने लेना इंजरी तो मतलब सभी को होती है, इवन सभी को इंजरी होती है, तो उसको मतलब आपको ठीक करना है जल्दी से जल्दी, उसको रिकवर करना है, फिर आपको वापिस ग्राउंड पे आना है। मतलब ऐसा नहीं होता है कि हम मतलब स्पेशली हमारे हॉकी प्लेयर्स में कि आप इंजर्ड हो गए तो आपका करियर खत्म हो जाता है, ऐसा कुछ नहीं है। लाइक हमारे पास एग्जांपल भी है वीरेंद्र लाकड़ा, हाँ जी वीरेंद्र लाकड़ा हमारे ऑप्शंस हैं इंडियन टीम के जो डिफेंडर है, मेन डिफेंडर, वो उनका नी में मतलब इंजरी हो के भी और अच्छी खासी उनकी सर्जरी हुई, वो फिर फाइनली वापस टीम में आए 2016 से अभी 20 तक, और फिर उनको अभी फाइनली आपको पता है कि ब्रॉन्ज मेडल भी मतलब जीता है टीम में, तो उस टीम का हिस्सा थे, उस टीम का पार्ट थे, तो ये। इंजरी को हम ज्यादा मतलब इतना बड़ा लेके नहीं चलते हैं कि इंजरी हुई तो मतलब हमारे करियर खत्म हो गया, ये तो मतलब चलता रहता है, इट्स अ पार्ट ऑफ गेम। दैट्स लवली। अच्छा देखिए आप हॉकी प्लेयर के तौर पे जो है आपकी हाँ जर्नी बचपन में ही शुरू हो गई जितना मुझे पता है, और जितना मेरे ख्याल जी से हाँ लोगों को न्यूज में पता होगा, आपने जी जूनियर से ही खेलना शुरू कर दिया था, लेकिन ये जूनियर में पहुंचने से पहले की जो जर्नी है वो मुझे लगता है कि कहीं छपी नहीं है, जूनियर उधर से जानना पहले बहुत की जरूरी जर्नी है। की लाइक मेरे को एकेडमिक्स में आज तक मेरे को नहीं मतलब जमता है एकेडमिक्स वगैरह, मेरे को पढ़ना लिखना ज्यादा पसंद नहीं है, तो सभी को पता ही है शायद से जो मेरे फ्रेंड्स है फैमिली है, और हम एक स्पेशली साइंस का तो कोई सीन ही नहीं था मेरे साथ कि मैं साइंस पढ़ूं, केमिस्ट्री बायोलॉजी वगैरह, तो हमारी टीचर थी एक सीता मैम करके, तो वो मेरे को क्लास में मतलब क्लास में एंटर करते हुए बोलते थे कि ये रिएक्शन बताओ वो रिएक्शन बताओ, तो मेरे को पता ही चलता था कि किस बारे में बात कर रहे हैं वो, तो मैं फर्स्ट टाइम स्कूल बंक किया था मैंने 9th क्लास में, 9th के फाइनल्स के आसपास कुछ, हाँ स्कूल में स्कूल अच्छा स्कूल की बस जा रही थी हमारी स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया में साई में, वो मेरे घर के पास ही है मतलब 6 to 7 किलोमीटर, तो फिर अच्छा मैं ऐसे ही मैंने नाम लिखवा दिया कि मतलब मेरे को हॉकी खेलना है, तो फिर मैंने वहां से बंक करके मैंने स्टार्ट किया, अदरवाइज मेरे जो जितने भी फ्रेंड्स हैं अभी भी मतलब हैं तो वो सब फुटबॉल खेलते हैं, तो प्रोफेशनली फुटबॉल में गए, मैं ही एक अकेला हूँ जो अच्छा मैं मतलब अलग ही चलना स्टार्ट किया, तो फिर मैं गोल कीपिंग किया मैंने हॉकी में, तो ये वाला सीन है कि मेरे को एकेडमिक्स का कोई मतलब था ही नहीं कि मेरे को पढ़ना है, मेरे को मतलब मन ही नहीं लगता था, तो फिर मैंने ट्रायल किया, मैं स्टार्टिंग से फिट हूँ काफी, तो फिर मैंने 800 मीटर किया वहां पे स्कूल के शूज में, और वो जो स्कूल के जो ड्रेस होती है उसमें, और फिर उस दिन मतलब मैं फर्स्ट आया 800 मीटर में, तो फिर वहां से मेरे को थोड़ा सा मोटिवेशन मिला मतलब कि मैं फर्स्ट टाइम भाग रहा हूँ मतलब कहीं पे एथलीट्स के बीच में, और जो 1-1.5 साल से ट्रेनिंग करे उनके बीच में जाके मैं फर्स्ट पहले ही दिन मैं फर्स्ट आ गया हूँ, तो फिर मेरे को थोड़ा लगा कि मैं मतलब कुछ कर सकता हूँ वहाँ पे, और इतना अच्छा ग्राउंड होते हैं वहाँ पे साई में मतलब स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया में ग्राउंड होते हैं फील्ड होती है,
तो फिर नो डाउट मतलब वहां से मेरे को स्टार्ट हुआ कि मैं मतलब कुछ ना कुछ लाइफ में करूँ। माय गॉड, मतलब आपके मोटिवेशन के पीछे ना सीता सीता माँ का हाथ मैम है, हमारी आपकी केमिस्ट्री की मैडम टीचर थे, सीता तो नहीं प्लस होती। एक था हाँ, मतलब उनको केमिस्ट्री पता मैडम ही शायद नहीं से अभी होती मैं तो कुछ नहीं खेलता करते हूँ, आप। क्योंकि वो उस टाइम के बाद स्कूल छोड़ गई थी। फिर हमारी एक मैम थी हिंदी की टीचर, उन्होंने बताया था मेरे को कि मतलब तू खेल सकता है, तेरी फिजिक वगैरह ठीक है, तू फिट है स्टार्टिंग से ही, तो उनको पता था कि, तो उन्होंने मेरे को सजेस्ट किया था कि कोई भी स्पोर्ट्स ट्राई करो, आप ट्राई करो आप, मतलब जैसे मैं गाँव से बिलोंग करता हूँ, तो फिर बोलते हैं कि गाँव वाले थोड़े से फिट रहते हैं, थोड़े ठीक रहते हैं, तो अब तुम स्टार्ट कर सकते हो कहीं पे किसी भी स्पोर्ट्स में, मतलब फुटबॉल हो, हॉकी हो, तो कुछ भी। तो फिर मैंने ऐसे ही पंगे लेने के लिए गोलकीपिंग स्टार्ट की, तो कुछ मेरी हाइट अच्छी थी, तो इस वजह से सब बोलते हैं कि तुम बहुत हाइट अच्छी बढ़िया। थी, और गोलकीपर को हाइट जनरली चाहिए होती है अच्छी खासी, तो फिर इसलिए मैंने फिर स्टार्ट की करते। हाँ, कि आप गोलकीपर ब्लेस्ड का, हैं, भगवान की हाँ ब्लेसिंग जी पहले से आपके पास पहुंची हुई थी। देखिए आपके ये फैमिली हैं कोच है हमारे, तुषार हाँ फोर्टीन, वो भी आपको जी अच्छा, ये ये कोच हैं बीपीएसएल, ये और ये भारत तो ऐसे कर रहे हैं जैसे आपके में बहुत बड़े जॉब करता फैन हूँ हो। जैसे भारत पेट्रोलियम में, तो हमारे बीपीएसएल के कोच हैं। और देखिए आपको ऊपर से नीचे तक वो ऐसे नहीं नहीं कॉम्प्लीमेंट दे रहे, मुझे लगा नहीं कोई मैम, वो स्टूडेंट है आपके। कोच है हमारे, बीपीएसएल के कोच है मतलब हमारे, ही इज सब ऑल्सो मतलब सब लेग पुलिंग इंटरनेशनल कर रहे हैं, आपके प्लेयर, दोस्त लोग इकट्ठे तो उन्होंने होके। काफी अरे मतलब वर्ल्ड कप भी खेला है, ओलंपिक्स में भी गए हैं वाह, वो, लंदन ओलंपिक्स में भी गए हैं, और मतलब हर एक मेन इवेंट खेला है, कॉमनवेल्थ गेम्स, एशियन गेम्स, तो मतलब काफी बड़ा नाम है उनका। अरे वाह। और सोचिए मतलब इस तरह से लिख रहे हैं तो जैसे मेरी मुझे लग रहा है कि आपके कोई टांग बहुत बड़े फैन खींचते हैं। मुझे रहते हैं। नहीं, लग रहा है आपके नहीं दोस्त वो ही मेरे पुराने इवेंट डिपार्टमेंट, में मतलब मैं उनके होंगे। डिपार्टमेंट में हूँ ना बीपीसीएल में, तो फिर वो टांग काफी जूनियर उनका। तभी। अरे वाह। अच्छा आपके मेंटोर कौन मतलब रहे हॉकी में? सीखा मैंने काफी श्रीजेश से है वैसे, मतलब वो टीवी पे देख के भी उनको, वैसे भी वैसे मतलब मेंटोर बोल सकते हैं कि मेरे कोच हैं नरेंद्र कुमार गौतम सर, तो मैंने उनसे काफी कुछ सीखा, अभी तक सीखता हूँ मैं उनको, उनके साथ मैं अभी तक, मतलब वो रिटायर्ड हो गए 2016 में, वो रिटायर अच्छा हो गए थे, तो उसके बाद भी मैं बात करता हूँ उनसे, भी मिलता हूँ, पर कल ही मिल के आया हूँ उनसे, तो मेरे को कुछ भी इशू होता है तो वो मेरे को आराम से इजिली अरे समझाते हैं, बिठाते हैं, बात करते हैं, इवन मतलब फील्ड हॉकी से अलग भी, तो वो बोलते हैं कि आप पूरा टाइम तो हॉकी नहीं खेल सकते, लाइक मतलब पूरी एज, उसके बाद भी बहुत कुछ है लाइफ में करने को, तो फिर वो मतलब हर चीज को बताते, इवन गोल कीपिंग का था, जब वो मेरे साथ राइट, रहते थे साई में, हम साई में रहते थे जैसे, तो वो फाइनेंशियली हेल्प करते थे मेरे को, इमोशनली हेल्प करते थे, तो मतलब हर चीज मेरे को समझाते थे कि कैसे क्या चलना है क्या नहीं, जैसे हमारी गोल कीपिंग किट आती है वो अभी काफी एक्सपेंसिव किट आती है, लाइक अराउंड 2 लाख तक की किट हो जाती है वो, अराउंड गोल कीपिंग की किट, तो उस टाइम पे भी मैं मतलब मैं काफी मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता हूँ, तो नहीं अरेंज हो पाती थी, तो उस सर ने उस टाइम पे मतलब मेरे लिए किट अरेंज करके दी थी 2012 में या 11 में समथिंग, तो मतलब काफी बड़ा वो वाह, था मेरी लाइफ में कि मेरे को उस टाइम पे किट मिली कहीं ना कहीं से करके। आपने जो ये बात छेड़ी है तो मुझे एक बात आपसे ये पूछनी है कि क्या जो आप 2012 की बात बता रहे कि सिचुएशन ऐसी थी, है ना, आप खेल रहे थे लेकिन उसके बाद भी आपके पास चूंकि किट नहीं हो पा रही थी तो आपको किसी ने आपकी हेल्प की, क्या आज के समय में भी सरकार का रवैया कुछ ऐसा ही है कि नहीं जो अभी तो खेलने मैम वाले बहुत बच्चे ज्यादा, हैं उनको नहीं अभी कोई तो बहुत स्टेट ज्यादा चेंज लेवल हो गया, पे अभी बहुत ज्यादा चेंज हेल्प हो गया, नहीं अभी मिलती? सब कुछ मिल जाता है प्लेयरों को, मैंने देखा है बहुत सारा, अभी जैसे साई में है मतलब एक अच्छी लेवल की किट नहीं मिलती थी उस टाइम पे, बट हाँ ठीक है मतलब जूनियर लेवल के लिए ठीक है, क्योंकि वो काफी एक्सपेंसिव किट आती है और गोलकीपर्स को चोट लगती है बहुत ज्यादा, तो फिर फिर कोच भी ऐसे समझते हैं कि कभी ये मतलब भाग ना जाए, कभी ये छोड़ना छोड़ना दे खेलना, तो उस किट का क्या यूज होगा, वो खराब हो जाएगी तो वो वेस्ट हो जाएगी, तो फिर वो भी उनको भी अपना पॉइंट ऑफ व्यू ठीक था उस टाइम पे, बट अब के टाइम पे तो काफी मतलब हाई क्वालिटी किट मिलती है, जो हमें अब जो हम अब यूज करते हैं वो अभी जूनियर्स को मिलती है साई में, जैसे अच्छा किट मिलता है, अच्छा उनको हॉस्टल वगैरह मिलता है, स्पेशली डाइट मिलती है, मतलब मैं तो जो बोलूंगा मैं जहां तक पहुंचा हूँ मैं नॉर्मली मतलब साई की वजह से एंड गौतम सर की वजह से हूँ मैं अभी तक यहाँ पे, नहीं तो हमारा तो कुछ होना ही नहीं था अभी तक। बिल्कुल
आप सच में ब्लेस्ड हैं, आप ब्लेस्ड हैं। तो क्या आपको कभी, जैसे सिलेक्शन कमिटी होती है आप लोगों के स्पोर्ट्स में, हर किसी को अगर नेशनल्स खिलाने लेके जाना है या इंटरनेशनल मैचेस के लिए आप जा रहे हैं, तो हमेशा एक सिलेक्शन कमेटी होती है जिस पर एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह हमेशा बना रहता है उनके बायस नेचर के ऊपर, कि वो जिसको चाहते हैं वो उसको भेजते हैं। नहीं नहीं, हमारे साथ अभी ऐसा कभी कुछ नहीं हुआ। बस हम अपने हार्डवर्क पे बिलीव करते थे, हमें कोई मतलब नहीं है कोई भी सिलेक्शन कमेटी में आए या जाए, हमारे हाथ में ही नहीं हो चीज, तो हम क्या कर सकते हैं, हम मतलब उसके बारे में सोचते नहीं थे। हम बस अपना हार्डवर्क करो जो हमारे हाथ में, हम मतलब बस ट्रेनिंग करो, आप रेस्ट करो, आप सुबह शाम ट्रेनिंग करो, बस आपको सिलेक्शन हो जाएगा, ये वाला सीन रहता था। तो अभी बहुत सारे फ्रेंड्स हैं मेरे जो उस टाइम पे नहीं करते थे वैसा कुछ, तो अभी वो इधर उधर हैं कहीं पे, मतलब वो सेटल नहीं है अभी तो। बट मैंने काफी टाइम मतलब अवेल किया उस टाइम पे, मैंने मतलब टाइम खराब नहीं किया है। तो मेरे को लगता है कि वो जो टाइम होता है जूनियर्स का, उसको उस टाइम पे आपको बस अपना फोकस करना चाहिए, स्पेशली रेस्ट करो, आप अच्छा रेस्ट करो, आप अच्छी ट्रेनिंग करो, तो सिलेक्शन प्रोसीजर हो जाता है, मतलब वो आप इजीली हो जाता है सिलेक्शन, कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं उस चीज के लिए। पहली बार मुझे किसी ने ये बोला है कि सिलेक्शन वाले जो है वो मतलब मेरी लाइफ में ऐसा हुआ, वरना मैंने जितने भी इंटरव्यूज लिए उस सब में, उन मतलब सब में प्लेयरों का तो मैं क्या बोलूं, मतलब वैसे बोलते हैं पर मेरी लाइफ में ऐसा कुछ हुआ नहीं अभी तक। तो मेरे को लगता है बस वो अपने ऊपर ही होता है, अगर आप मतलब आपका सिलेक्शन नहीं हुआ दैट मींस आपने हार्ड वर्क नहीं किया, मतलब नाम भी मेरा नाम भी कटा है टीम से, अच्छी टीम से नाम कटा है, तो फिर मैं कभी किसी को ब्लेम नहीं करता हूँ कि उसकी वजह से मेरा नाम कट गया। मैं बस अपने आप को देखता हूँ कि मतलब मेरे में कुछ ना कुछ कमी होगी तो इसलिए मतलब नाम नहीं आया, तो नेक्स्ट टाइम थोड़ा और हार्ड वर्क करते हैं, फिर हम फिर जाते हैं दोबारा टीम में। क्या बात है, आपका आइडल कौन है, आप किसको देख करके हमेशा सोचते हैं? मैं स्टार्टिंग में से श्रीयश है हमारे इंडियन हॉकी के जो गोलकीपर अभी करंट में, तो उनके साथ भी खेला हूँ पहले, तो एक बस यही सपना था कि उनको उनके साथ हम बस ऑटोग्राफ हो जाए, ये वाला सीन होता था पहले, तो उनके साथ खेला हूँ, उनके साथ मैं ओलंपिक्स में गया था 2016 में, चैंपियंस ट्रॉफी गया था उनके साथ में, तो उन्हीं को देख देख के मतलब एंड फिर और जो मतलब हम खेलते खेलते एक्सपीरियंस हो ही जाता है गोलकीपर्स को, मतलब किसी को भी ऐसा नहीं है कि सीनियर से ही सीखना है, कोई बच्चा है अच्छा करे तो उससे भी सीख सकते हैं, मैं आज भी सीखता हूँ कुछ ना कुछ। ये गोलकीपिंग का जो सिलेबस है बहुत बड़ा है, ये हम पूरी लाइफ में कवर नहीं कर सकते इसको, आप कितना भी एज हो जाए आपकी आप सीखते रहोगे, कीप लर्निंग वाला सीन होता है, तो हर कुछ टाइम बाद कुछ चेंज भी आता है इसमें, मतलब तो खेलने का तरीका चेंज हो जाता है, पहले अलग तरीका होता था खेलने का, पहले सेफ्टी नहीं होती थी इतनी, इतने गार्ड्स नहीं होते थे और बॉल की स्पीड थोड़ी नॉर्मल होती थी, अभी काफी फास्ट हो गया गेम काफी, मतलब प्लेयरों को थोड़ा सा देखना पड़ता है और स्पेशली इक्विपमेंट ठीक हो गए हैं गोलकीपर्स के लिए, तो उनको भी उस चीज का मतलब फायदा है, तो ये वाला सीन है। अच्छा, आपको कभी गेम खेलते टाइम अपने करियर में, बहुत ज्यादा साल तो नहीं गुजरे पर इन सालों में कभी कभी कोई ऐसा पॉइंट आया लाइफ में जब आपको लगा हो कि यार मैं ना गेम छोड़ दूं? ये स्टार्टिंग में हुआ, एक बार स्टार्टिंग हुआ, मैं 2013 में हुआ, उस टाइम पे काफी 3-4 साल हो गए थे, मैं खेल रहा था ट्रेनिंग कर रहा था काफी, तो कुछ हो ही नहीं रहा था मतलब लाइफ में, मैं कोई इवेंट ही नहीं खेल पा रहा था कुछ, तो मैं हॉकी छोड़ के मैं दिल्ली भाग गया। तो नॉर्मली मैं सोनीपत में रहता हूँ मम्मी मतलब घर पे फैमिली के साथ, तो मैं सोनीपत चला दिल्ली चला गया, तो मैं एक कॉलेज है श्रीराम कॉलेज SRCC दिल्ली में है, साउथ एशिया का बेस्ट कॉलेज है वो, तो फिर मेरे को ये हुआ कि पढ़ते हैं मैं मतलब कि कुछ करते हैं पढ़ के देख लेते हैं, कि हॉकी में दुआ नहीं 4 साल हो गए मेरे को खेलते हुए, तो मैं फिर 6 महीने मतलब 6 महीने में दिल्ली में रहा, एक रूम में रहते थे हम 3-4 फ्रेंड्स एक ही रूम में, उसी में खाना पीना होता था सारा सब कुछ, और पढ़ाई ठीक ठीक थी मतलब दिल्ली में जब 4 दोस्त साथ बैठते तो नहीं पढ़ता है कोई, बट फिर भी ठीक था मतलब कि मैं मुश्किल से 40-50% मार्क्स से मैं पास हो गया था एक सेमेस्टर में, बट मैं काफी अनफिट हो गया था और मतलब मैं पूरा मेरा स्ट्रक्चर ही बिगड़ गया था बिल्कुल। फिर मेरे को पता चला कि एक ही डेट ऑफ बर्थ का भी सीन है कुछ, मतलब जो मेरी एज है, जो एक वर्ल्ड कप हुआ था 92 डेट ऑफ बर्थ का वर्ल्ड कप हुआ था 2013 में दिल्ली में, मैंने उस टाइम पे फर्स्ट टाइम मैच देखा था इंडियन हॉकी का, और उसके बाद हाँ उसके बाद वो इंडिया लूज कर गई थी मतलब वर्ल्ड कप से बाहर हो गई थी गोल स्कोरिंग के, तो मेरे को उस टाइम काफी हर्ट हुआ, तो मेरे को ये हुआ कि मतलब मैं कुछ करूँ, मतलब मैं मतलब वर्ल्ड कप खेलूँ नेक्स्ट टाइम कुछ ऐसा हो, तो मैं काफी मोटिवेट हुआ उस चीज से, और फिर 92 के हिसाब से वर्ल्ड कप 4 साल में होता है, तो फिर मेरे
को लगा कि 96 का वर्ल्ड कप होगा नेक्स्ट, मतलब 92 के बाद 96 का, बट मेरी डेट ऊपर था 93, ओलंपिक ईयर करके उन्होंने बोला 3 साल पहले कि आपको 95 का वर्ल्ड कप होगा आपकी बारी, मतलब 3 साल बाद तो चेंज कर सकते हैं। तो फिर मैं सब कुछ छोड़ के वापिस दिल्ली से मैं वापिस कोच के पास गया, गौतम सर ने मेरे को गालियां वगैरह दे के गुस्सा करके अच्छा खासा, तो फिर एक चांस और दिया, मेरे से एप्लीकेशन लिखवाई उन्होंने, तो वो दिल्ली जाना मतलब मेरी लाइफ का फर्स्ट वो एक्सपीरियंस भी था और फिर डिसीजन भी था। फिर मैं वापिस आया, फिर मैं 6-7 महीने मैंने इतना ट्रेनिंग किया अपनी लाइफ में, मैंने आज तक इतना ट्रेनिंग नहीं किया, मैं 5 टाइम ट्रेनिंग करता था पूरा दिन में, मतलब हम रात को भी चले जाते थे 2-3 बजे सुबह भी शाम को भी, तो जो 1.5 साल का सिलेबस था मैंने 6 महीने 4 महीने में 5 महीने में कवर किया उसको। तो फिर उसके सडनली बाद नेशनल्स थे और नेशनल्स के बाद फिर मैं इंडियन टीम में सिलेक्ट हो गया था उसमें, वो मतलब बेस्ट टूर्नामेंट था मेरे लिए, चेन्नई में हुआ था वो, हम ब्रॉन्ज मेडल आया था नेशनल में। अदरवाइज नॉर्मली प्लेयर बस रेलवे की जॉब के लिए खेलता है कि कोई ना कोई मेडल आ जाए ब्रॉन्ज इवन, तो हम मतलब हम कोई ना कोई जॉब लग, हाँ कोई ना कोई सरकारी नौकरी, मतलब नॉर्मल प्लेयर की ऐसे ही सोच होती है। बट अभी चेंज हो रहा है, अभी सब जैसे मेडल आ गया आपकी बारी ब्रॉन्ज मेडल, तो सब अब बस मेडल का ही सोचते हैं, अभी नौकरी नौकरी सब बाद में, नौकरी हो जाएगी अगर आपका मेडल आ गया तो नौकरी तो आपके पीछे पीछे घूमेगी, ऐसा वाला सीन होता है, अभी चेंज हो गया काफी। तो मैंने ऐसे मतलब स्टार्ट किया था ये, बिल्कुल तो ये मैं इस मतलब इस तरीके से मैं वापस मतलब इंडियन टीम में आया था। मतलब आपको आपको जो चीज डिमोटिवेट करने वाली थी उसके बाद आपको जो मोटिवेशन जो पुश मिला है वो जबरदस्त रहा, उसके बाद मैं चलते ही रहे हैं चलता रहा। ब्यूटीफुल। अच्छा आपको कभी ये अफसोस होता है कि हमारे भारतवर्ष में एक क्रिकेट को छोड़ के, है ना, क्रिकेट को छोड़ के या क्रिकेट स्टार्स को छोड़ के लोग आमतौर पे वैसे आपको प्यार बहुत करेंगे, लेकिन फिर भी वो स्टार्स वाली जो ट्रीटमेंट है वो आज भी सेफ रखी गई है सिर्फ और सिर्फ क्रिकेट के लिए और क्रिकेट स्टार्स के लिए। बोलेंगे नहीं पूरा तो ठीक है, मतलब लगता है थोड़ा सा फील होता है, पर हमें कोई इशू भी नहीं है क्रिकेट वालों के साथ, अच्छा है वो इंडिया मैच जीते बिल्कुल नो डाउट, हमें कोई इशू नहीं है। और इसमें हमारी गलती रही है कि हमें लोग नहीं पूछते हैं, क्योंकि हम मेडल नहीं लेके आएंगे तो कौन पूछेगा हमें, जो प्रीवियस हॉकी हुई है 80s की 90s की या 70s की उसमें अगर कंसिस्टेंटली मतलब मेडल आते रहते तो मतलब जहाँ पे हमारे ध्यानचंद जी के टाइम पे वैल्यू थी उस टाइम पे आज भी वही होती, तो हमारी गलती हो कि हम मेडल नहीं लेके ले गए तो लोग नहीं पूछेंगे नो डाउट। अब तो हारने वाले को कौन ही देखता है, देखते हैं बस जीतने वाले को देखते हैं। तो अभी स्टार्ट हो गया, जैसा मेडल आ गया इस बार 2020 में, तो अभी होपफुली ये कंसिस्टेंसी बनी रहेगी तो फिर लोग देखेंगे नो डाउट, इसमें कोई इशू नहीं है। और मेरे को ऐसा लगता है थोड़ा सा कि थोड़ा हॉकी थोड़ा सा अभी फास्ट हो गया है एंड थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है थोड़ा समझना, तो इसलिए भी लोग थोड़ा सा नहीं देखते। तो मैं बस मतलब जो भी लोग देखते हैं तो मैं यही बोलूंगा कि कुछ थोड़ा बहुत आप स्टार्ट करो देखना, हॉकी बहुत इंटरेस्टिंग है, मतलब आप देखने में मजा आ जाएगा आपको, क्रिकेट जितना मजा आ जाएगा बिल्कुल, मतलब छक्के चौके नहीं लगते बट गोल होते हैं उसमें अच्छे खासे। सही बात है, बिल्कुल सही आप कह रहे, बिल्कुल सही आप कह रहे। अच्छा आपके लिए संघर्ष, अगर एक सेंटेंस में पूछूं तो आप संघर्ष या स्ट्रगल को कैसे देखते हैं? मैं बोलूंगा कि आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर आओ बस, हर एक चीज में, मतलब हर एक चीज में मींस हर एक चीज में, मतलब आपके स्लीपिंग आवर्स है, आपकी ट्रेनिंग है, आपको खाना पीना है, मतलब इवन जो एकेडमिक्स वाले हैं उनके लिए भी, आपको पढ़ाई करनी है तो फिर आपको पता है कि आपको ये इतना पढ़ने से आपको ये चीज मिलेगी, तो आपको फिर आपको पता है कि आपको यहाँ तक जाना है और आपको इतनी मेहनत करनी है, तो उससे नीचे नहीं आना चाहिए अपने को। अब कंफर्ट जोन में हम रहते हैं, हम जो हमें ठीक लगता है हम वो खाते पीते हैं, जो हमें ठीक लगता है वो करते हैं, हमें उस चीज को निकल के अगर हम उससे बाहर निकल जाए, कंफर्ट जोन से बाहर निकल जाए, तो डेफिनेटली हमें जो जिसका जो भी एम हो वो इजीली मतलब मिल सकता है उसको। बिल्कुल ठीक आपने कहा। अच्छा आपका कोई सपना है जो भी पूरा करना? तो ओलंपिक में मेडल का ही होता है वैसे, एक हॉकी प्लेयर का तो आप कुछ भी पूछ लो, अभी तो चेंज हो गया, जैसे पहले नौकरी का होता था अब जो हो गया, तो अभी बस ओलंपिक मेडल का है कि ओलंपिक मेडल आ जाए, मैं जिस टीम में मैं हूँ, अगर मैं नहीं भी हूँ तो कि और किसी का आ जाए, मतलब इंडियन हॉकी का आ जाए कि गोल्ड आ जाए, कि मैं देखूँ कि हमारी इंडियन टीम पोडियम पे खड़ी है गोल्ड, तो मेरा सपना और दुनिया सपना है कि इसमें कोई ऐसा चेंज नहीं है। अगर हम खेलते हैं तो इट्स फाइन, अगर नहीं खेलते तो फिर भी ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। आपकी फ्यूचर प्लानिंग सब कुछ सोचा नहीं है फ्यूचर का, तो बस हॉकी खेलना है अभी 10-12 साल आराम से,
इतना लगता है कि मैं इजीली खेल सकता हूँ, बस थोड़ा फिट रहना है, अपने आप को मेंटेन करना है एंड बस जैसे चल रहा है वैसे चलते रहना है, और हर दिन अपने आप को पुश करना है थोड़ा सा कि हम और आगे बढ़े अपनी फील्ड में। अच्छा, आपका सीक्रेट क्या है सक्सेस का, जो आप हर बार सफल हो जाते हैं, आपको मेडल्स मिल जाते हैं, बेस्ट गोलकीपर हैं, सीक्रेट मतलब क्या कुछ सीक्रेट सीक्रेट तो है ऐसा आपके कुछ है नहीं, पास? बस थोड़ा सा थोड़ा लॉयल रहो अपने हर चीज के लिए, गेम के लिए, मतलब ऐसा चीटिंग वाला सीन तो होता नहीं है, किसी को दिखाने के लिए नहीं खेलो, अपने लिए खेलो आप पहले। और सीक्रेट तो ऐसा कुछ नहीं है, बस हार्डवर्क करो। मैं हार्डवर्क पे बिलीव करता हूँ बस, और किसी चीज पे बिलीव नहीं करता। किस्मत जैसे बोलते हैं बहुत सारे कि किस्मत अच्छी है ऐसा वैसा, किस्मत भी उन्हीं की अच्छी होती है जो थोड़ा सा हार्डवर्क करता है। अगर आप घर पे बैठे रहोगे तो किस्मत भी कुछ नहीं करेगी, आप घर से बाहर निकलोगे, हार्डवर्क करोगे, अपने आप को कंफर्ट जोन से बाहर निकालोगे तो नो डाउट जो आपको चाहिए वो आपको मिल जाएगा इजीली। अच्छा, जो एस्पायरिंग हॉकी प्लेयर्स हैं, ये जी प्रोग्राम वो लोग बाद में भी देखेंगे, उनके लिए अगर कोई मैसेज मैं कहूँ तो विकास दहिया जी का क्या मैसेज होगा उनके उनके लिए? लिए बस यही होगा कि आप थोड़ा सा स्ट्रिक्ट रहें अपने आप को लेके, आप थोड़ा मतलब मेरे को ऐसा लगता है अपना जो थोड़ा 5-6 साल पहले वाला टाइम था कि हम थोड़ा कैजुअल हो जाते थे किसी भी चीज को लेके ना, तो आप थोड़ा सा अपने आप को लेके स्ट्रिक्ट रहें। वही है कि आप हार्डवर्क करो जितना हो सकता है, स्पेशली आप एकेडमिक्स पे ध्यान दो जो मैंने नहीं दिया है। और मेरे को लगता है कि हॉकी प्लेयर से हॉकी खेलने से भी ज्यादा इम्पोर्टेंट आपके नॉर्मल बेसिक बेसिक एकेडमिक्स वाला सीन है, तो आपको पढ़ाई लिखाई करते रहना चाहिए, आपको एक अच्छा इंसान बनाता है स्टडीज ना, आप एक अच्छा प्लेयर बनाता है हॉकी खेलने से, पर एक अच्छा इंसान बनाता है आप अगर बुक्स पढ़ो, आप रीड करो, आप थोड़ा ट्रैवल करो, लोगों में मिलो, आपको पता होगा कि कैसे क्या एक्सपीरियंस होता है। और स्पेशली आप थोड़ा एकेडमिक्स पे थोड़ा सा फोकस करो, हम हॉकी प्लेयर्स ज्यादा पढ़ाई लिखाई पे ध्यान नहीं देते हैं, और ये इस एज में आके लाइक आई एम 26-27, तो इस एज में आके अपने को लगता है कि थोड़ा सा हम पढ़ लेते तो हमारा पूरा मतलब दिमाग थोड़ा और ब्रॉड होता है, हम थोड़ा और ज्यादा सोच पाते किसी चीज को लेकर ना। तो ये सबसे मेन है कि आप थोड़ा सा एकेडमिक्स पे ध्यान दो एंड हॉकी खेलते रहो साथ में। अरे, आपकी बात मुझे बहुत अच्छी लग रही है कि आप लोगों को मोटिवेट कर रहे हैं कि वो बहुत पढ़ाई पर ध्यान दें, क्योंकि ज्यादा पढ़ाई बहुत ज्यादा जरूरी चीज है, और खुद खुदा सीता मैया की वजह से भाग करके हॉकी में आए, तो मुझे लगता है एक बार सीता मैम के पास उनको वापस थैंक यू जाइए, बोलना उनको थैंक यू बोलिए, और उनसे बोलिए कि एक पड़ेगा। केमिकल आपसे इक्वेशन पूछे, आप उसका आंसर बिल्कुल दीजिए। बहुत मजा बिल्कुल, आएगा मैम, मैं बहुत उन दिनों खुशी के बाद होगी में कि मैम से आज की मिला ही लाइफ नहीं, में सबसे ज्यादा हमने उनको तो याद किया ये है। तो मेरे को आपने बोला जैसे मेरे को मिलना चाहिए मैम से एक बार ही, तो बिल्कुल नो डाउट उनकी वजह और से। क्या, हाँ उनकी वजह से आज मैंने आप बंक किया, यहाँ मैंने हैं। स्टार्ट किया उनकी वजह से आपके बिल्कुल। फैन हैं गौरव गुप्ता जी, वो कह रहे हैं पेरेंट्स का आशीर्वाद और गॉड का साथ और अपना हार्डवर्क, हाँ ये भी आपके जी, दोस्त ये हैं क्या मेरे आप को हंसे? मैसेज करते रहते हैं कहाँ से, मतलब ये तो पता नहीं मेरे को, तो ये टेक्स्ट करते रहते अच्छा, हाँ वो कह रहे हैं कि आपकी तरह सब लोग विकास हैं। दहिया अरे नहीं बन अरे सकते, अरे, यू आर यूनिक। बहुत नहीं देर से मैं तो मैसेज कर बोल रहे रहा थे, हूँ मुझे कि लगा मैं था से कि मैं भी अच्छे लास्ट बनूँ, मिनट हम में तो कुछ रोहित है बन नहीं, सकती अपने हूँ। हमने तो कुछ किया ही नहीं इतना लाइफ कि थोड़ा सा अरे, एकेडमिक्स पे आपकी ध्यान दो, मॉडेस्टी, और जो भी स्पोर्ट्स करना, मतलब इवन स्पोर्ट्स नहीं, मतलब कोई भी एक्टिविटी, आपको डांस करना है, आपको स्पोर्ट्स करना है, आपको पढ़ाई लिखाई करनी है, आपको कुछ भी करना है, बट आप 100% दो बस, आप उसमें सक्सेसफुल हो जाओ नो डाउट, और इंजॉय करो उस चीज को। ब्यूटीफुल। अदरवाइज हम स्पेशली इंडियंस का होता है कि हम उस चीज को ज्यादा अपने ऊपर हावी कर देते हैं, मतलब बर्डन हो जाता है हमें कि हमें ये तो करना ही है करना ही, और वो अगर नहीं होता है समटाइम्स तो फिर ऐसा होता है कि हम फेल हो गए लाइफ में। तो अप डाउन तो एक लाइफ का छोटा सा हिस्सा है तो चलता रहता है, तो उसको ज्यादा ना सोच के जस्ट कीप गोइंग एंड कीप शाइनिंग। ब्यूटीफुल। आप जितने अच्छे प्लेयर हैं उतने ही अच्छे आपके विचार भी हैं। आपने बेशक कहा कि आपने एजुकेशन अभी पूरी नहीं की, लेकिन मुझे कई बार लगता है कि एजुकेशन कई बार ना बहुत बिल्कुल अलग चीजों से भी हमें समझ में आती है कि आपका व्यवहार, एकेडमिक आपकी सबसे ज्यादा बातें, इंपॉर्टेंट है, मतलब और आप, यू आर एक्सट्रीमली गुड, यू आर एक्सट्रीमली गुड। थैंक यू सो मच, आपने समय दिया, आपसे बात करके मुझे बहुत मजा आया, और आज आप अपनी जगह से भी, अपने घर से भी अलग आकर के आप बात कर रहे हैं, मतलब आप आज कहीं बाहर हैं उसके बावजूद भी आपने इंटरव्यू दिया। थैंक यू।
तहे दिल से आपका शुक्रिया, कीप शाइनिंग, और जल्दी मैं आपका एक इंटरव्यू और भी लूंगी जब आप थोड़े और बड़े हो जाएंगे, आपकी फैमिली हो जाएगी, फिर मैं आपकी फैमिली के साथ आपके रिलेशन पूछूंगी कि एक ऑफिसर के साथ उनको कैसा लगता है रहने में. थैंक यू सो मच विकास. थैंक यू सी यू सून.